चालान नहीं, ये तो बवाल हो गया है। लोगों की नींद उड़ गई है, सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले डर लगने लगा है कि कौन से चौराहे पर वर्दीधारी वाले चालान थमा दे। अब इस ट्रक को देखिए, हजारों का चालान तो इस ट्रक वाले के सामने कम है, 10-20 हजार वाला चालान इस ट्रक के सामने तो एक मजाक है, क्योंकि इस पर हुआ है अब तक का सबसे बड़ा चालान, 2,500 रुपए का चालान। सही सुने हैं, 2,500 रुपए का चालान, मतलब जितने का चालान उतने में तो एक नई टाटा नैनो आ ही जाएगी, सेकेंड हैंड ठीक ठाक गाड़ी भी मिल जाएगी। ट्रक का ड्राइवर इस ट्रक को लेकर जा रहा था, तभी इस पर नजर पड़ी और धनाधन चालान काटे जाने लगे, ये गलती वो गलती ऐसी गलती वैसी गलती, अब ये लो पर्ची 2,500 रुपए। तो जुर्माना तो एक ही होगा ना, उन्होंने हमारे ऊपर टोटली 2,005,000 रुपया जुर्माना किया। अच्छा, तो बोला कि पैसे हैं आपके पास? हाँ आज ही पैसे हैं। तो उन्होंने बोला पैसे नहीं है तो आप उन्होंने पैसे के लिए अंदर कर दिया जाएगा। तो खैर नियम तो खूब बनाए जा रहे हैं, खूब सिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है? नेताजी को देख लीजिए, कहां मानने वाले। राजस्थान में नेता सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, कार में बैठकर आए लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाए, नेताजी के साथ ड्राइवर भी धौंस में दिखा। क्यों लगाए सीट बेल्ट जब नेता हो साथ? यहां लगाई, दोबारा लगाई, कैमरे को देख के लगाई ना, जबकि आपने आपको लगी हुई होनी चाहिए थी, आप इस बात को मानिए। यहां पार्किंग में लगा रहे हैं तो यहां खोल दिए तो क्या है? अगर आपको लगता है कि आपने गलती नहीं की तो आपने क्यों लगाई फिर दोबारा से कैमरा देख के? फिर क्यों लगाई आपने कैमरा देख के? मैंने कहा भाई साहब खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं तो लगा लो। चालान को लेकर नाराजगी भी खूब दिख रही है, नाराजगी जाहिर करने का तरीका भी अलग अलग है। ये देखिए, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन का एक नया तरीका, चला रहे हैं बाइक और सिर पर हेलमेट की जगह पहन लिए बाल्टी, न जाने किसी हादसे में ये बाल्टी किसी की हिफाजत कैसे करे। यही कर रहा है ना भैया, हेलमेट की जगह बाल्टी ही पहनना है। अब आप देखिए ना प्रशासन क्या कर रहा है, हेलमेट की जगह जहाँ पर 1,000 रुपया फाइन लगना है, आप बताइए जिसकी परिवार का इनकम 2,000 हो 3,000 हो, वो कहाँ से 1,000 का फाइन देगा? अब 500 रुपया लेके पुलिस को छोड़ देना है, पुलिस प्रशासन पैसा कमा रहा है, अब यही होना है ना। जब से भारी भरकम चालान कटने लगा है तब से वाहन चालकों की परेशानी भी खूब बढ़ी है। हालांकि बात तो चालक की सुरक्षा की ही है, लेकिन फिर भी विरोध तो हो रहा है। हकीकत ये भी है कि अब हालात बदलने लगे हैं, नियमों का पालन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है।